हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए समान हिंदी का मॉक टेस्ट, ये नवा मॉक टेस्ट है, ठीक। और देखिए हम इसमें आज ये बात है कि आज हम पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, हिंदी के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि UPSI, जेल वार्डन, फायरमैन, जिसके कि पेपर लगे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नांकित प्रश्न में से तत्पुरुष समास का सही विकल्प चुनिए। तो तत्पुरुष समास किसमें है, रसोई घर, त्रिभुवन, नव युवक या फिर सीता राम। तो देखिए किसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो हम देखते हैं तो रसोई घर में क्या होगा, तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर भी कारक चिन्ह का लोप होता वो तत्पुरुष समास होता, ठीक। चलिए तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में कौन समास होगा, देखिए त्रि आ गया है, ठीक है, त्रिभुवन में कौन समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास, ठीक। नव युवक में क्या होगा, कर्मधारय समास, नया है जो युवक, ठीक, तो कर्मधारय समास होगा। और सीताराम में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है और गुड़ या फिर वृद्धि। तो कौन सी संधि है आपकी, गुड़ संधि है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, महाधन उदय, ठीक, महाधन उदय, महोदय, ठीक, आ वो मिलकर ओ हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुड़ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, हर्ष शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है, हर्ष का खेद होता है, ठीक, सॉरी हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। तो हमारा थ्री का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्री का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, डी का डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए विषाद है, ठीक। अगला है, शाश्वत शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। शाश्वत मतलब क्या होता है, तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो शाश्वत क्या हो जाएगा, नश्वर। देखिए शाश्वत मतलब क्या होता है, जो समय एक समय से चलता आ रहा है, मतलब जो हमेशा चलता रहा है ना, तो नश्वर क्या हो जाएगा, जो नष्ट हो गया हो ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए, चूहे के चाम से नंगाड़े नहीं मर जाते, मतलब क्या, छोटी चीज से बड़े काम नहीं चल सकते ना। तो देखिए पहला क्या है, कंजूसी करना, दूसरा है सीमित साधनों से काम चलाना, तीसरा है छोटे होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फाइव का डी नंबर, मतलब कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, देखिए ये रिक्त स्थान से भरने को आते हैं UPSI में, तो वही चीज हम देख रहे हैं, ठीक। क्या है कि अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंच चुका था कि बड़े जोर का तूफान आया, तो कैसा तूफान आया ये बताना है। देखिए अंटार्कटिका पे क्या है, चोटी है, तो किस प्रकार के तूफान आएगी, हिमानी, हिमाद्री, हिमासु या फिर हिमका, तो कौन सी, हिमानी तूफान आया, ठीक, बड़े जोर का क्या आया, हिमानी तूफान। तो हमारा यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, ए ऑप्शन, तो यहाँ पे हिमानी भर दिया जाएगा। चलिए अगला है, कवित्री का संशोधन रूप क्या होगा, देखिए कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है, हमने बहुत बार बताया ये कवि का क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो समझिएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि धन इत्री नहीं होता, ठीक, तो हमारा कवि इत्री होता, ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत् धन संकर का सही संधि होगा, तो तत् धन संकर का सही संधि कौन सा होगा, तो हम क्या बता दें, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम तत्वों का विकल्प सही है, तो चयन कीजिए, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए शकुन क्या होता है, शगुन होता है, ठीक, शकुन क्या होता है, शगुन होता है। तो चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से है। तो देखिए ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, तो कह रहा है तर्क का कह रहा है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। तो देखिए हमारा इसमें सही ऑप्शन का जाएगा ए सही है। देखिए ये तो सही कह रहा है ना कि ध्वनि काव्य जो है चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, मगर दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत कह रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सही है आर गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है, तो जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक के अंतर्गत दो आ जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिया विशेषण एक भेद है, तो क्रिया विशेषण किसका एक भेद है आपको बताना है, किसका है, अव्यय का, विशेषण का, निपात का या समापिका का। तो हम आपको बता दें क्रिया विशेषण किसका एक भेद होता है, अव्यय का। तो अव्यय का मुख्यतः चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, ठीक। हालांकि निपात भी इसी
इसी के अंतर्गत आता, मगर इसे पूर्णतः माना नहीं जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो गणेश का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गणपति, वक्रतुंड, गौरी। देखिए गणपत होता है, वक्रतुंड होता है, मगर गौरी नहीं होता, ठीक। इसी तरह से गणपति भजन गजपतन बिल्कुल सही, विधु नहीं होता, ठीक। अगला वक्रतुंड गौरी सुता मोदक प्रीत, बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंक का अनेकार्थी है, अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए गोद संख्या धन, तो देखिए धन नहीं होगा, ठीक। अगला है गोद संख्या नाटक अंग, जी बिल्कुल सही, नाटक के अंग को भी हम, जो नाटक का एक अंक होता है उसको भी हम अंक बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तो हमारा 14 का बी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 की तरफ। देखिए ये क्या करना है आपको, इससे यहाँ से रचना और उनके रचनाकार बताने। तो चिंतामणि किसकी रचना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि किसकी रचना है, विवेकी राय की, या फिर बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या राहुल सांस्कृतायन। तो किसकी रचना है विवेक चिंतामणि, तो किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, चिंतामणि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, या अज्ञेय जी की। तो किसकी है, तो उर्वशी किसकी है आपकी, रामधारी सिंह दिनकर की। देखिए उर्वशी के लिए ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये करके बताना कि अज्ञेय जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर पता है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि अज्ञेय जी को किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर देखते हैं, 16 नंबर हो चुका है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा ये आपको बताना, अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, दिव्य समास, या फिर तत्पुरुष समास। देखिए पुरुषोत्तम में क्या होता है, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम में क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका कर्मधारय समास है, नहीं तो हमारा द्विगु समास, सॉरी तत्पुरुष समास बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कर्मधारय समास का सही विकल्प चुनिए, कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, या फिर रोग पीड़ित। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्वर्णाक्षर, क्या हो जाएगा, स्वर्णाक्षर, मतलब अक्षर की विशेषता क्या है कि वो स्वर्ण से लिखेगा, मतलब एकदम सोने जैसे हैं, ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, काम चोर, काम से चोरी करने वाला, ठीक है। पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा, और ये क्या है हमारा सही ऑप्शन, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतैक में कौन सी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक। मतैक में कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, और वृद्ध संधि। देखिए यहाँ पर औ की आय की मात्रा है, तो अधिकतर क्या होता है कि वृद्ध संधि का ही उदाहरण वो होता है, ठीक। गुण संधि में क्या होता है, ए पाया जाता है या फिर ओ पाया जाता है, ठीक। और यण संधि में क्या होता है, या और वा के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन आ जाएगा, ठीक। और दीर्घ में क्या होता है, हमेशा समान स्वर होते हैं, ठीक। चलिए अगला है 20 नंबर, ध्वंस शब्द के चार विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, सृष्टि, रचना, सृजन, या निर्माण। तो ध्वस्त का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्माण। ध्वस्त करना मतलब गिरा देना, तो निर्माण करना किसी चीज का निर्माण करना यानी बनाना। अगला है कहावत का सही अर्थ बताइए, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। पहला है आमदनी कम होने पर भी शौक करना, मांग मांग कर ऐश करना, शौकीन मिजाज का होना, या झूठा दिखावा करना। तो सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, झूठा दिखावा करना, ठीक है। तो सही ऑप्शन का जाएगा 21 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहावत का सही अर्थ बताइए, हथेली पर सरसों नहीं जमती। अगला इसके ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं दोस्तों, असंभव कार्य की आशा करना, बी है हर काम अपने समय से पूरा होता है, सी है शीघ्रता से काम निपटाना, कि चौथा है हमारा डी किसी भी तरह से अपना काम बनाना। तो हमारा 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, असंभव कार्य की आशा करना, ठीक। जो काम अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हथेली पे सरसों जमाया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो असंभव कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, सभी ने उस मैच को देखा, सभी ने उस मैच को देखा, ये सबों ने उस मैच को देखा, सबों तो बिल्कुल गलत है, इसको तो हम गलत ही कर देंगे, सबने उस मैच को देखा ये भी बिल्कुल गलत है, सभी यह मैच देखे गलत है, तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सभी ने उस मैच को देखा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखो चोर, देखो शत्रु दौड़ रहा है, देखो शत्रु दौड़ रहा है, दूसरा है मैंने आम खाया, तीसरा है लड़ाई में जीत हुई,
चौथा है वह जीत गया, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो 24 का हमारा ए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखो चोर दौड़ रहा है, चोर दौड़ता नहीं, चोर क्या होता है भागता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 25वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्वालिटी कम है, हम पढ़ के बता देते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है, किसी दूसरे काम से आना और उस काम को छोड़कर कोई वांछनीय काम करने लगना। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वांछनीय कार्य को छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना खा चुका हूँ इसमें किस प्रकार का भूतकाल है? ठीक, मैं खाना खा चुका हूँ इसमें किस प्रकार का भूतकाल? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं खाना खा चुका हूँ मतलब काम पूरा हो चुका, मतलब उसने खाना खा चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूर्ण भूत। ठीक, देखिए सामान्य भूत में क्या होता है या आता, ठीक गया 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 है ना, तो इस तरीके से आसन भूत में क्या होता है या था वो गया है, सॉरी वो गया था। ठीक, तो इस तरीके से गया है सॉरी वो गया है, तो क्या हो जाएगा आसन भूत। ठीक, इस तरीके से देखते हैं। ठीक, शायद वो गया है तो ये क्या हो जाएगा संदिग्ध हो जाएगा। ठीक, इस तरह से देखते हैं। अगला स्वयं भू शब्द का अर्थ होता है, स्वयं भू का मतलब आता है स्वतः से उत्पन्न, क्या होता है स्वयं भू स्वयं से उत्पन्न जो है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। और देखिए स्वयंभू को क्या बोलते हैं, अभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने बता दिया, तो याद रखिएगा। अगला है तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तल्लीन तत् धन लीन होता है, देखिए ला किसमें टूटता है ता में टूटता है, तत् धन लीन, तो कौन सा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, प्रवेश नवेश मूक वाचाल भूत भविष्य पुरस्कार तिरस्कार, तो दोस्तों इसका गलत ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए प्रवेश का क्या होता है निषेध होता है, प्रवेश का क्या होता है निषेध, तुम्हारा यही ऑप्शन क्या है गलत है। देखिए इसमें नवेश कर दिया एकदम सब बहका दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई, तो अकर्मक क्रिया किसमें है, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, तो देखिए सोना क्या होता है आपका अकर्मक क्रिया ही होता है, तो यहीं से हम देख लेंगे, तो शिशु सो रहा है यही क्या है आपका अकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों 31 नंबर देखते हैं, कृत प्रत्यय किन शब्दों में लगते हैं, देखिए कृत हमेशा क्रिया में लगता है, याद रखें क्र से कृत और क्र से क्रिया, तो देखिए कृत प्रत्यय जो होते हैं हमेशा क्रिया में लगते हैं। ठीक, क्रिया में क्रिया के बाद लगते हैं, और हमें और जो अलग से जो भी लगेंगे वो सब क्या होंगे तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय ही हमेशा क्रिया में लगते हैं, बाकी तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं किसी में लग जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम अव्यय में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। ठीक, चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं, वेरी अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा, जो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा संबंध बोधक शब्द, विस्मयाद बोधक शब्द, या क्रिया विशेषण शब्द, या फिर समुच्चय बोधक शब्द, तो क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। और ये देखिए यही चारों क्या हैं आपके अव्यय के भेद हैं, अव्यय या फिर आविकारी के भेद होते हैं, तो समुच्चय बोधक क्या करता है किन्हीं चीजों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ देगा, ठीक दो वाक्खंडों को जोड़ देगा, इस तरीके से काम करता है क्या समुच्चय बोधक। अगला है 33 नंबर, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या बोलते हैं, सघोष अघोष अल्पप्राण या फिर महाप्राण, तो दोस्तों उनको क्या बोलते हैं हम सघोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं सघोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 का बाद 34वां क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों आगे, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, जिजीविषा जिज्ञासु जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ, तो क्या बोलते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। देखिए अब क्या है कि आपके पास गद्यांश आ गया, इसको छांट करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो प्रश्न संख्या 35 से 37 तक आपको पढ़ना है, ठीक, और उसका उत्तर देना है। देखिए आप लोग ये पैसेज पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे हम चला रहे हैं इसको, हम ज्यादा देर पढ़ेंगे नहीं कि बहुत समय लग जाएगा, इसका हम सीधा आंसर पर आते हैं, आप लोग छांट लेना ऊपर जा करके। ठीक, अगला संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है, तो किस सीमा तक विस्तृत है इसको हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रादेशिक, दूसरा है सार्वदेशिक, तीसरा है मध्यदेशी, चौथा है क्षेत्रीय, तो किस सीमा तक फैले हैं, तो सार्वदेशिक मतलब सभी सीमाओं तक। ठीक, चलिए अगला है, अभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए, अभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए दोस्तों, तो पहला है शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, दूसरा है व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, तीसरा है उच्चारण में भिन्नता होना चाहिए, चौथा है जातीयता में भिन्नता होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा डी नंबर, क्या जातीयता में भिन्नता होना
चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं या हिंदी? तो किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए किसका है, प्राकृत भाषाओं का। देखिए संस्कृत के बाद फिर धीरे धीरे पाली, प्राकृत ऐसे चली, तो सबसे इनमें से सबसे नजदीक कौन सी संस्कृत के, तो प्राकृत भाषाओं के। प्राकृत में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी कौन है, तो जैन धर्म के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, तो उन्होंने ही इसमें उपदेश दिए थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पौम चरयू किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पौम चरयू किसकी रचना है दोस्तों, तो किसकी है, अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई? तो किसकी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्वयंभू क्या जाएगा, स्वयंभू। देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, इन्होंने मैथिली में बहुत सी चीजें लिखी थी, इसलिए इनको मैथिल कोकिल या जयदेव कहते हैं। ठीक है, जयदेव भी कहते हैं। देखिए इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक, कीर्तिलता भी इनकी रचना है और कीर्ति पताका, और इन्हें इन्होंने सबसे पहले हिंदी में गीत लिखना प्रारंभ किया। ठीक, तो हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, विद्यापति, और चंद्र बरदाई के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचना की गई है? तो कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या फिर बुंदेली? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ब्रज भाषा। देखिए क्योंकि तुलसीदास हमेशा ज्यादातर अवधी भाषा में लिखते थे, इसीलिए इनको पूछ लेते हैं, विनय पत्रिका और कवितावली। ठीक, तो ये इसमें है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में है। ठीक, इसमें 7 कांड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता? तो किसकी बात कर रहे हैं, ये जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के गए थे, पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अज्ञेय जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो अज्ञेय जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करना, और यह भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हमने 40-40 क्वेश्चन हल किए हैं, इतने ही रहने चाहिए या इससे कम करने चाहिए? ठीक, चलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने चला रखी है वीडियो। देखिए हम टोटल 2000 क्वेश्चन टाइप करेंगे और उसे चलाते रहेंगे, और हर रोज़ एक या दो आपको उत्तर स्पेशल के लिए वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसके अलावा देखिए जेल वार्डन घुड़सवार के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की चला रखी है, और यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। 26 वीडियो हमने डाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने पूरे सॉल्व किए हैं। इसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। ठीक, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएसआई का, और हमने संपूर्ण हिंदी के नाम से एक बैच चला है, जिसको आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा, एक आध वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अगर देखिए वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।